अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू करंट ट्यूटोरियल्स। अच्छा, आज हम एनालॉग और डिजिटल को कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि इनकी टर्म्स कौन कौन सी हैं और टर्म्स भी स्टडी करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, एनालॉग सिग्नल कंटिन्यूस होता है, इसमें इनफाइनाइट वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, बहुत एग्जैक्ट वैल्यूज होती हैं, लेकिन इसके साथ काम करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि बहुत ज्यादा नंबर्स आपको सेव करने पड़ते हैं। दूसरी तरफ डिजिटल में डिस्क्रीट पॉइंट के ऊपर वैल्यूज होती हैं। जब डिस्क्रीट पॉइंट्स के ऊपर वैल्यूज होती है तो हमारे पास फाइनाइट हो जाती है। ठीक है, जब फाइनाइट होती है तो हमें एग्जैक्ट और एप्रोप्रिएट कंफर्म सॉल्यूशन मिलना हमारे लिए मुश्किल होता है। ठीक है, देखें कुछ इसमें एनालॉग हैं, कुछ डिजिटल चीजें हमें मिलती हैं। एनालॉग सिग्नल में हमारे पास क्या होता है, जैसे एनालॉग वॉच भी होती है, आपके पास डिजिटल वॉच भी होती है, इसी तरह एनालॉग में ऑपरेशनल एम्पलीफायर भी होते हैं। ठीक है, डिजिटल के अंदर क्लॉक्स वगैरह एग्जिस्ट करती हैं। देखिए, दुनिया में जो नेचुरल चीजें हैं, चाहे साउंड हो जाए, चाहे हमारे हम जो चीजें सुनते हैं, इमेजेस हो जाए, वीडियो क्वालिटीज हो जाए, जो आपकी आंख देखती है, ये सारी एनालॉग में होती हैं। ठीक है ना, इसमें एनालॉग में मुख्तलिफ रैंडम वेव हो सकती है, स्केयर वेव हो सकती है, साइन वेव हो सकती है। जो हो सकता है खुद को अगर रिपीट कर रही है तो वो पीरियडिक होगी, अगर खुद को नहीं रिपीट कर रही तो वो ए पीरियडिक या नॉन पीरियडिक होगी। ठीक है, अब देखिए एनालॉग के अंदर कुछ टर्म्स होती हैं। एम्पलीट्यूड वो होता है जो जीरो से लेकर मैक्सिमम तक, चाहे पॉजिटिव एम्पलीट्यूड हो या नेगेटिव एम्पलीट्यूड हो। ठीक है, एम्पलीट्यूड उसकी पीक वैल्यू होती है, चाहे पीक पॉजिटिव हो जाए या नेगेटिव हो जाए। ठीक है, अगर एक सिग्नल माइनस फाइव से फाइव तक जा रहा है तो उसका एम्पलीट्यूड है फाइव। ठीक है, और उसकी पीक टू पीक वैल्यू कितनी होगी, माइनस फाइव से फाइव तक जा रहा है तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा, दस का। माइनस फाइव माइनस माइनस फाइव है ना, दस का डिफरेंस होगा, तो उसकी पीक टू पीक वैल्यू जो होगी वो दस की होगी। ठीक है, टाइम पीरियड वो होता है जिसके बाद सिग्नल खुद को रिपीट करना शुरू कर दे, और फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होती है। एनालॉग सिग्नल के एडवांटेजेस ये हैं कि आपके पास इनफाइनाइट डाटा होता है, डेंसिटी काफी हायर होती है, प्रोसेसिंग इजी है, लेकिन इसका डिसएडवांटेजेस है कि इसमें नॉइज अनवांटेड नॉइज आ जाती है। जब आप सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं तब भी मसला होता है, जनरेशन लॉस का भी मसला होता है। अच्छा, लॉजिकल लेवल्स, हाई लेवल और लो लेवल क्या होते हैं ये देखते हैं ना। देखिए, हाई लेवल का मतलब है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑन है स्विच। ठीक है, अगर स्विच को ऑन करना चाहते हैं तो हमारे स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। इसी तरह का स्विच को ऑफ करना चाहते हैं तो हमारे स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, फॉल्स होने चाहिए। ऑन के लिए हम वन कह देते हैं, ऑफ के लिए हम जीरो कह देते हैं, या अगर वोल्टेज की बात करें तो ऑन के लिए पांच वोल्ट कह देते हैं, ऑफ के लिए जीरो वोल्ट कह देते हैं। अच्छा, एक तो ये हो गया कि जो ऑन और ऑफ है, ऑन और ऑफ के बीच में जो स्टेट होती है उसको हम इनवैलिड स्टेट कहते हैं, इनवैलिड लॉजिक लेवल। अब देखें, अगर जीरो है तो जीरो के लिए से हमने जीरो से लेकर 0.8 तक इसको हमने जीरो राउंड किया हुआ। अब वन है या फाइव वोल्ट है, हमने दो से ऊपर वोल्ट हो तो हम समझते हैं कि हमारे वोल्टेज हाई हो जाते हैं। ठीक है, अब 0.8 से लेकर दो तक जो जो वोल्टेज है ये इनवैलिड लॉजिक में आते हैं, मतलब दरमियान में आते हैं, ये ना इधर के ना उधर के। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे जीरो पर एग्जाम्पल डिजिटल सिग्नल के अंदर हमारे हाई सिग्नल, मतलब से अगर सिग्नल की वैल्यू फाइव है तो हाई है, अगर जीरो है तो वो लो हो जाएगी। अच्छा, पार्ट्स ऑफ डिजिटल सिग्नल देखते हैं क्या क्या होते हैं। देखिए, एम्पलीट्यूड क्या हो गया, एम्पलीट्यूड जैसे हाई के इस केस में देखो जीरो से लेकर पांच तक इसका एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड क्या होगा जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, पीरियड क्या चीज है, पीरियड वो सिग्नल वो टाइम है जिसके बाद सिग्नल खुद को रिपीट करना शुरू करता है। देखिए, यहां से शुरू हुआ और यहां तक, इसके बाद सिग्नल खुद को रिपीट करना शुरू कर दिया, ये देखो दोबारा रिपीट करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये देखें जैसे यहां से यहां तक है आगे भी वैसा ही है। ठीक है, जितनी देर ये हाई होता है फिर लो होता है, अगला भी उतनी देर ही हाई होता है और फिर लो होता है, तो ये इसका पीरियड हो गया। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ जो हमारे सिग्नल अकर हो रहा है वो साइकल्स पर सेकंड। ठीक है, जितने नंबर ऑफ अकरेंस पर सेकंड्स के लिहाज से, ये एक पीरियड है तो जितने पीरियड रिपीट होंगे उतने साइकल्स पर सेकंड के लिहाज से फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाए। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड आपस में एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं।
हाई टाइम क्या होता है, हाई टाइम जितनी देर ये हाई वैल्यू के ऊपर रहा वो हाई टाइम हो गया, इस तरह जितनी देर ये लो वैल्यू के ऊपर रहा ये लो टाइम हो गया। ड्यूटी साइकिल वो होता है कि देखिए जितनी देर हाई रहा उसको डिवाइड कर दें टोटल टाइम के ऊपर, ठीक है। अब देखें टोटल अगर 10 सेकंड है, सिग्नल 5 सेकंड हाई रहा तो इसका ड्यूटी साइकिल 50% हो गया। ये फार्मूला लिखा हुआ ड्यूटी साइकिल इज इक्वल टू टी ऑफ एच डिवाइडेड बाय टी मल्टीप्लाई बाय 100, जो हाई टाइम है वो वाला डिवाइडेड बाय जो टोटल टाइम पीरियड है वो, और मल्टीप्लाई कर दिया 100 में ताकि परसेंटेज में आए पाए। राइजिंग एज, जैसे देखिए ये राइजिंग एज है, यहां से बढ़ रहा है ऊपर प्राइस कर रहा है ना, राइजिंग एज वो है जो होता है जहां से राइज कर रहा है यानी कि 0 से 1 हो रहा है। इस तरह फॉलिंग एज वो होता है जहां से गिर रहा है यानी कि 1 से 0 हो रहा है, ठीक है। ये टर्म्स होती हैं डिजिटल सिग्नल्स के अंदर। डिजिटल सिग्नल के कुछ फायदे हैं, मतलब जैसे इसको ट्रैवल करना आसान होता है, आप सिग्नल को दोबारा रीजनरेट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए बैंडविड्थ काफी चाहिए होती है, सिग्नल काफी प्रोसेसिंग कंप्लेक्स हो जाती है। अब देखें हमारा एनालॉग सिग्नल, डिजिटल सिग्नल ओवर एनालॉग, कि डिजिटल सिग्नल हमारे फायदे क्या है एनालॉग के। देखिए एनालॉग सिग्नल के अंदर हमें एम्पलीफायर इस्तेमाल करना पड़ता है, हमें ओरिजिनल सिग्नल को सही किसी ना किसी तरह मैनिपुलेट करना पड़ता है। डिजिटल सिग्नल के अंदर हम सिग्नल को रीजनरेट कर सकते हैं, ये बड़ी फैसिलिटी है इसके अंदर, आप सिग्नल को सेव कर सकते हैं उसको रीजनरेट कर सकते हैं, जबकि एनालॉग के अंदर वही सेव करके रखना होता है। एनालॉग सिग्नल के अंदर सिग्नल जो वैरी करता है स्पेसिफिक रेंज के अंदर, जबकि डिजिटल सिग्नल के अंदर फिजिकल क्वालिटीज जो होती है वो डिस्क्रीट वैल्यूज के ऊपर एग्जिस्ट करती है। अब ये देखें ये एक एनालॉग है और ये एक डिजिटल है, मतलब ये एक मखसूस पॉइंट्स के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है। एनालॉग के डिजिटल के ऊपर फायदे क्या है, डिजिटल सिग्नल इजियर टू डिजाइन है, इसको स्टोर करना आसान है, इसकी एक्यूरेसी ज्यादा होती है, मोर वर्सटाइल है, ठीक है। आपका जो डिजिटल सिग्नल सर्किट्स होते हैं वो लेस अफेक्टेड बाय नॉइज होती हैं, इसमें ज्यादा एक्यूरेसी आती है, सिग्नल की फैब्रिकेशन आईसी बनाई जा सकती है, रिलायबिलिटी ज्यादा है इसकी। अच्छा तो फिर सिग्नल क्या चीज है, देखिए हर वो फिजिकल क्वांटिटी जो इंफॉर्मेशन रखती है वो सिग्नल कहलाती है, ठीक है। जैसे आप यूएसबी के अंदर कोई फाइल हो गई जो आपकी पावर लाइन के अंदर तारों के अंदर पावर आ गई, इसी तरह कोई भी ऐसी क्वालिटी फिजिकल क्वालिटी जैसे लाइट है, साउंड है, वोल्टेज है, करंट है, वो वैल्यू जो इंफॉर्मेशन कैरी करती है उसको हम सिग्नल कहते हैं, ठीक है। करंट ट्यूटोरियल्स का सब्सक्राइब कीजिएगा।